वक्त जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है जो हमारा काम है, वरना तो आप सारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इंप्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है, ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवररीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड, दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन, से ये बिल्कुल वाजे हो गई बात के ये कुछ ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाजे करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, इस जजमेंट को भी हम देखेंगे। एंड आई एश्योर यू एज फार एज विद इन माई पावर्स आई विल मेक श्योर दैट दिस जजमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन लिटरल स्पिरिट एंड वी टेक इट टू इट्स फाइनल कंक्लूजन। Now, I just want to talk about a little something else also. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और दो ढाई घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह और उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन मैं वैसे क्योंकि अभी मौका है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ ये कि माइनॉरिटी राइट्स को हम कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस कैसे देख रहे हैं, लीगल सेक्टर कैसे देख रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और हिंदूज 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं, और बाकी जो लगा लें कि सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं, इतनी इनकी मकदार है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो एक सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं, तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक, आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज्यादा नहीं है। हमारी रिपोर्ट्स जो हमारी कंट्री के बारे में बन रही हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही। एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है 2023 की जो काफ़ी हमें शो करती है कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है, और मैं कोट करता हूँ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम गारंटीज, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions and desecration of houses of worship and cemeteries. ये रिपोर्ट है हमारे बारे में, जो हमारे हालात हैं मुल्क के ठीक नहीं हैं और जिसको बेहतर करना है हमको। और इस सिलसिले में मैं पॉजिटिव्स की बात भी कर लूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी माइनॉरिटीज़ कम्यूनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे अपने कोर्ट में बहुत लोग रहे हैं, AR कॉर्नेलियस साहब रहे हैं, दोरा पटेल साहब रहे हैं, राणा भगवान दास साहब रहे हैं, रुस्तम सोहराब जी सिद्धवा साहब रहे हैं, और बड़े कमाल और बड़े जजेस रहे हैं मुल्क के। सो वी हैव एक्नॉलेज एज फार एज द जस्टिस सेक्टर इज कंसर्न, वी हैड पॉजिटिव एंड गुड पीपल देयर।
But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, itne kabil log hain sare, ki hamara mazhab bhi, aur ab main musalmanon se mukhatib hoon is kamre mein, ki actually change to humne lana hai na, 96% to hum hain, humne inke liye space banani hai, humne inke liye jagah banani hai, ye to 1.6% ya 1% hain, aur phir bhi problem mein hain, aur hum 96% inko nahi samajh pa rahe, to shayad guftagu to hame aapas mein karni chahiye, bajaye इनके साथ करनी चाहिए, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगर हम गुफ्तगू अपनी करें और समझे मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ और हम घर में बैठे हैं अपने, हमारे घर में 1.6 या 2% या 3% माइनॉरिटीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं, तो क्या वजह है, हमें हम क्या कर रहे हैं गलत, हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ, एज अ जज भी मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कहाँ से मैं समझ लूँ, इस विजडम कहाँ से लाऊँ, कैसे समझूँ कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसे देखना है मुझे, तो मैं कुरान शरीफ की तरफ ही जाऊंगा ना एज ए मुसलमान, मैं और किधर से शुरू करूंगा। तो कुरान से शुरू करता हूं, तो मैं सूरह अल बकरा पढ़ता हूं। सूरह अल बकरा की एक आयत है जो कहती है लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, ये सीधा सीधा एक मैसेज आ गया हमें, फॉर द ट्रूथ स्टैंड्स आउट क्लियरली फ्रॉम फॉल्सहुड, सो हूएवर रिनाउंसेस फॉल्स गॉड्स एंड बिलीव्स इन अल्लाह हैज सर्टेनली ग्रास्प्ड द फर्मेस्ट अनफेलिंग हैंड होल्ड। सो बेसिकली नो कंपल्शन इन रिलीजन, This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. ये personal मामला है हर आदमी का, ये सूरह बकरा हमें बता रहे हैं। अच्छा चलें, कुरान शरीफ से हमने देख लिया, फिर हम जाते हैं अपने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी लाइफ देखते हैं, उन्होंने क्या कहा हमें, और हम कहाँ से लें सारी विजडम, अपने रसूल से हम देखते हैं कि उनके क्या सुनना क्या है और उन्होंने क्या कहा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का हम पढ़ते हैं, उधर देखते हैं कि अर्लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच जो उन्होंने ली रिलीजियस डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स की, उस वक्त बात की उन्होंने मदीना, और डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है वो कहता है किसी किस्म की एग्रेशन नहीं करनी, म्यूचुअल असिस्टेंस करनी है, फ्रीडम होनी चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, इफेक्टिवली क्रिएट करें कि सारे इकट्ठे रह सकें मजाहिब, ये उस वक्त कह दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। मैं मतलब कहाँ से सीखूंगा, मैं कुरान शरीफ उठाऊंगा, मैं सुन्ना उठाऊंगा, इधर से शुरू करूंगा ना कहानी, तो इधर तो ये हो रहा है। कॉबिनेट्स उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटीज के साथ किए, बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया जाता है वे कॉबिनेट ऑफ जो क्रिश्चियंस ऑफ नजरान थे उनके साथ उन्होंने शोर किया था कि उनकी चर्च की प्रॉपर्टी किसी किस्म की उनकी फेथ के मामलात में हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी, और ये केस सारा आपकी चर्च प्रॉपर्टी के जलाने का हो रहा है, तो कहाँ क्या बात हो रही है और यहाँ क्या बात हो रही है, तो जो डिस्कनेक्ट है ना इसको प्लीज एड्रेस करें, हम अपने पर्सनल लेवल पे तो समझें। अदालतें तो करती रहेंगी और जजमेंटें भी होती रहेंगी, इंप्लीमेंटेशंस भी होती रहेंगी, लेकिन आप और मैं जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं 96%, हम खुद तो इंट्रोस्पेक्शन करें ना, खुद तो सोचें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पिछले अबाव अजदाद पहले कह क्या रहे हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं। तो बेशुमार आपको मिलती हैं हदीसें ऐसी जो कहती हैं कि जी आपको ट्रीटमेंट जो है ना माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत काइंडनेस के साथ चलना है, जस्टिस के साथ चलना है, और इस पर मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। चलें, ये तो हो गया हमारा मजहबी पहलू जिसमें हमारे कुरान में और सुन्ना में ये कहा गया है कि जी आपने इनका ख्याल करना है, प्रोटेक्शन देनी है आपने इनको। अच्छा चलें आगे चलते हैं, हम अपने आइन पे आ जाते हैं। अब आइन तो इतना स्ट्रांग है जिसकी कोई हद ही नहीं, और इसीलिए मैं जो हमारी माइनॉरिटीज यहाँ बैठे हैं आप सुने कि हमारा आइन कितना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है और क्या कह रहा है और हम किस तरफ चलें। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं कोट कर रहा हूँ आइन में से, प्रीएम्बल में कोट कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है, पहला सफ़ा है आइन का। अगर आप आइन खोलें, सारा ना भी पढ़ें, पहला सफ़ा पढ़ लें प्रीएम्बल का, तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड इक्वालिटी टॉलरेंस रवादारी और इक्वालिटी मसावत एंड सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ एज इनंसिएटेड इन इस्लाम शेल बी फुली ऑब्जर्व, जो इस्लाम ने कहा है उस तरह आपने इन्फोर्स करना है। अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि इस्लाम में क्या है, वेर इन एडुकेट प्रोविजन शेल बी मेड फॉर द माइनॉरिटीज टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड डेवेलप देयर कल्चर्स। इससे ज्यादा आप क्या स्टेटमेंट देंगे आइन में, कि वो उन इजाजत है माइनॉरिटीज को कि फ्रीली प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें अपने मजहब को और डेवलप करें अपने कल्चर्स को। ये हमारा आइन कह रहा है, वेर इन एडिक्वेट प्रोविजन शेल बी मेड टू सेफ गार्ड लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, इनके कोई और भी राइट्स हैं वो भी लेजिटिमेट जो होंगे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आइन में लिखा है, ये आइन में पहला सफा है, आगे जाने की जरूरत नहीं, सारा आइन पढ़ने की जरूरत नहीं,
पहला सफा प्रियम्बल का पढ़ें तो ये लिखा है, फेथफुल टू द डिक्लेरेशन मेड टू द फाउंडर ऑफ द नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दैट पाकिस्तान वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ जो था। तो कायदे आजम साहब ने क्या कहा था जी, ये मैं आपको पढ़ देता हूं। ये आईन ने कहा है, जो उन्होंने कहा है डिक्लेरेशन वो हमने फॉलो करनी है। तो उन्होंने क्या कहा, और ये तो सबने सुना होगा और हम बार बार पढ़ लेते हैं लेकिन आगे कुछ इस पर असर नहीं होता हम सब पे, इस 96% लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है सोचें इस बात को, जजमेंट तो इंप्लीमेंट हो जाएगी साकिब साहब, लेकिन आप और मैं भी तो कुछ करें ना एज एन इंडिविजुअल। यू आर फ्री एंड यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। ये कायदे आजम साहब ने कब कहा, और आज तक हम इस बात को कोई समझ नहीं पा रहे कि भाई जाने दें, जिसने जिधर जाना है, जिस जो मजहब अपना इख्तियार करते हैं जाएं पढ़ें, उनको कल्चर दें, उनको उनको प्रोटेक्शन दें कि ये डाइवर्सिटी आए, इंक्लूसिविटी आए, कोई सोच आए, ये आगे बढ़ सकें।